वो मौलाना रूम ने लिखा ना, कोई था ना, कोई थी सियाणी थी, निस्बत वाली थी मेरे ख्याल से कोई हैं, वो जब दुल्हन बनी ना तो जाहिर है जी अपनी बेटियां तो सबको प्यारी लगती हैं, किसको नहीं लगती हैं, तो बेटी वैसे ही माशाल्लाह ज़रा सजी सवरी हो तो फिर ज़रा और सोनी लगती है, वो सारे ही बलाएँ ले आ हैं। खाला भी के लै भई अज तो मेरी भनेवी बड़ी सोहनी लगन दी, ठीक है जी। फुफो भी कवे लै भई अज तो मेरी भतीजी नू बड़ा ही रूप आया है। माँ भी वाह है अज तो मेरी धी बड़ी सोहनी रो पई अगू। वो सब ने कहा रो क्यों रही है, कहा बस दुआ करो जिदे कोल चलनी है उन्होंने भी सोहनी लग जावा। आए हाय आए हाय, पता नहीं पसंद भी आया कि नहीं। राबिया बसरी कोई छोटा नाम नहीं है हजरत, बहुत बड़ा नाम है हजरत, बहुत बड़ा नाम है। लिखा है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ना कोई हाजिर था, तो उसने दौरान गुफ्तगू शैतान का नाम लिया, ठीक है जी। कुरान करीम में भी है, फ़ैज़ा करअतल कुरान फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है जी। कुरान में भी उसका कई बार नाम आया, ठीक है जी। लेकिन ये नहीं कि ये वो शैतान के वजूद की इनकारी थी, नहीं, ये गलबा था हजरत, ये इस्तगराक था उनका, ये उनका जज़ब था, ये उनका शुक्र था हजरत जी। हाँ, वो बुल्ले शाह फरमाते हैं ना, सही हो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना को कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप पे ही रांझा होई है। ये उनका जज़ब था, ये उनकी दीवानगी थी, ये उनकी मोहब्बत थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो। उसने दौरान गुफ्तगू ना शैतान का नाम ले लिया। अब उसे हैरान होकर पूछने लगी, ये शैतान कौन है, हैं? वो आगे से हैरान होकर अर्ज करता, सईदा आपने शैतान का नाम नहीं सुना? फरमाया तेरे मुंह से सुना है, हमने तो रहमान का ही सुना है। हाय हाय, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू है, कहे फकीर हुसैन ने माड़ा बह नहीं, सब तू है, सब तू। रो ही इधर जैसी की है, कख भी नहीं है, सब कुछ तो उसके महबूब ही हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हैं असी की हैं हजरत, कख भी नहीं। ये हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए लिखा है कि कुरान कहता है ना हजरत, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। और इस आयत को मियां साहब ने इस तरह फरमाने, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदा नूं याद सजण दी पई सुत्यान जगावे। आए आए, असी जागदे सोईए ने, सुते उठ पैंदे ने हज़रत, सुते उठदे ने हज़रत जी। आओ भई आओ आओ मालक दे हज़ूर खलोईए जाके। हाँ हज़रत, साड़ी ख्वाहिश ही नहीं हज़रत जी, साड़ी तो ख्वाहिश आई डिफेंस कोठी लभ जे कोई, थले फॉर्च्यूनर होए हैं, कलाई ते महंगी जी कड़ी होए, काटन दा सूट होए, एक सवेरे पावा वह भी पाशा दा, एक राती पावा हैं। हम तो यही है ना हज़रत जी हमारी ज़िंदगी, कभी हजरत जी कभी खास जागी नहीं है कि कोई रात होए, कोई भी ना होए, हैं मुसल्ला होए, हैं मैं होवा, कुरान होए, अथरू होन, सजदे होन, हैं। वो मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा ना, उनके लिए लिखा है कि हजरत ने कोई लोंडी खरीदी, बस काम के लिए लाए, फरमाते सारा घर ला के दिखाया, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, वो भी कमरा है, कौन सा चाहिए? तो मोहम्मद हुसैन फरमाते हैं, जिस कमरे में वो घर का कूड़ा कबाड़ पड़ा था ना, ठीक है जी, अब फरमाते हैं, वो कहती है मुझे ये दे दें। अब फरमाते, मैंने कहा इतने इतने सोने कमरे हैं, इस कमरे का क्या करेगी? अब फरमाते हैं, मुझे आगे से कहती है, मोहम्मद हुसैन तुझे किसने कहा कमरे सामान से सोने होते हैं, कमरे तो यादें महबूब से सवरते हैं। हाय हाय, मैं जहाँ रहूँगी महबूब को याद करूँगी, कमरा सवर जाएगा, हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो लोंडी है एक घर से बिक के दूसरे घर में जाने वाली है, बड़ी गहरी बात कर दी इसने। आ फरमाते मैंने कहा सुनी होगी किसी से इसने, चलो। आ फरमाते कमरा दे दिए, बस काम से काम। मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं, एक रात ना मुझे पेशाब की आदत हुई, मैं उठा, जब उसके कमरे के पास से गुजरा तो रोने की आवाज़ आई, सिसकियाँ ले रही है। आ फरमाते औरत ज़ात थी, थोड़ा घबराया कि मुनासिब नहीं उस तरह कमरे में जाना, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कहीं उसको कुछ तकलीफ़ ना हो, कुछ दर्द ना हो, देखो तो सही। आ फरमाते मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल के ना देखा, हैं, तो क्या देखता हूँ, दर्द से नहीं रो रही, वो मुसल्ले पे खड़े होके कुरान करीम पढ़ते रो रही। आए हाय, हैं हजरत, आए हाय, कैसा हजरत जी लुत्फ आए, हैं सारे सुते नहीं हजरत जी, तो मैं मुसल्ले ते खलो के लगा हुआ, अर्रहमान, हाय हाय हाय, हैं यासीन है। आए हाय, वो हजरत खलोना दूर की गल, दुख की गल है, मैं पढ़ने ही नहीं आता कोई, है खलोना दे बाद की गल आएगी ना, पहली गल पढ़ने ही नहीं आता हजरत जी, है
इंग्लिश हमने सीख ली, फेसबुक भी हमने बेटे को रोज कह कह के सीख ली किस तरह करना है, व्हाट्सएप हमें आता है, ट्विटर हम चला रहे हैं, नहीं आता तो हजरत दुख की बात है, हमें कुरान नहीं आता हजरत है। खड़ा होने वाली बात तो बाद में आएगी ना हजरत जी, पहली तो बात यह है हमें कुरान आता ही कोई नहीं हजरत जी है, और फिर उससे बड़ी बात यह हमें इस पर दुख भी नहीं है कि हमें कुरान करीम नहीं आता, कोई बड़े फख्र से बताते हैं नहीं हजरत वो पढ़े ही नहीं है, डूब नहीं मरिया कितने जाके तू, तेन कुरान ही नहीं आता है। अर रहमान अल्लामल कुरान लो अनजलना हाजल कुरान आला जबल लरा आईता हूँ खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, है तेन कुरान ही नहीं आता है, कुरान सीखो हजरत जी। ए कुरान नुरानी शीशा हकदारा दिखावे, वैसनू पढ़ के अमल कमावे सिद्ध ही जन्नत जावे। फरमाते हैं वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर बैठा रो रहा था, वो तो कुरान पढ़ के रो रही थी, मैं इसलिए रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो एक लोंडी होके जाग रही है और तू एक इतना बड़ा आलिम होके सोया हुआ है। फरमाते हैं जब सुबह का वक्त आया ना मुनाजात का वक्त, उसने दस्ते सवाल दराज किया है, हजरत जी जितने परेशान हो कभी सरगी उठ के अर्जियाँ पाओ तो सही, तेनों की पता सरगी की होंगे, सरगी खास काम है। हदीस पाक का मफहूम अल्लाह अपनी शान के मुताबिक, अल्लाह सिमतों से जस्तों से मशरक़ से मगरिब से हाथ से पाँव से आँख से ज़ुबान से पाक हैं, हाँ जैसे अल्लाह की शान के लायक है अल्लाह उस तरह तशरीफ़ लाते हैं, और ला के फिर सदाएँ क्या आती हैं, अय्युहस्साइल ओ ऐको मंगण अला है, ऐको मंगण अला सुते मोए पे सारे इधर नहीं इधर, और कुर्बान जाऊँ फिर वो कहते हैं सोने पे सुहागा, एक नहीं दो दरबार लगे हैं इधर जी, उधर से भी सदाएं आ रही हैं और उधर भी दरबार खुला हुआ है इधर। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा है, तू सुता है दस की मंगना ही, जिन्होंने झोली फैलाई ना भाई, मेरे कुशेर इतने अच्छे नहीं होते को आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर देना है, वो जिन्होंने झोली फैलाई ना तो फिर फैला के वो क्या कहते हैं, भर के झोली मेरी मेरी सरकार ने, मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए है, आए आए तू एवं रोंदा रोंदा फिर उठा सरगी जरा फैला झोली फिर वेख की होंगे जरा जी।